आज के वीडियो में अपन स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10th के चित्रकला पेंटिंग का जो पेपर है 11 अक्टूबर को उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बार 2021 का पेपर है वो पेंटिंग का चित्रकला का किस प्रकार का आएगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने पेंटिंग का जो पिछले साल पेपर आया था उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पिछले साल जो पेपर आया वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2021 का पेपर इस बार किस तरह का आएगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसे कि दोस्तों पेंटिंग चित्रकला का सैद्धांतिक जो पेपर है उसका 225 कोड नंबर है जो 11 अक्टूबर को होने वाला है कक्षा 10th के लिए। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपने पिछले साल का पेपर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को भी देख लीजिए। दोनों में दोस्तों जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आज टिक कराता रहूँगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था और ये कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए दोस्तों जो चित्रकला होती है उसमें आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मैं बता देता हूँ। जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के ऊपर तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों कुछ टॉपिक है जो फिक्स होते हैं चित्रकला में, उन्हीं को घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट में अभी इंडिया में लेटेस्ट में जो भी, जैसे कि जिस मंदिर के बारे में लेटेस्ट चल रहा है, जिस पेंटिंग के बारे में लेटेस्ट चल रहा है, उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन जो भी है वो पढ़ लीजिए, उसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और ये किसने बनवाया था, तो आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद में कांथा साड़ी का वर्णन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे लेटेस्ट में जो GI टैग चलते हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कला क्या होता है यानी फोल्क आर्ट्स क्या होती है। तो दोस्तों जो लोक कलाएँ होते हैं, लोक नाटक होते हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए, इतना प्रसिद्ध क्यों है, उसके किसी एक प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताना है। जो लेटेस्ट में प्रसिद्ध कलाकार होते हैं, फेमस जो भी होते हैं पेंटिंग से रिलेटेड, उनसे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक पर नोट लिखना है, यानी किसी एक पर आपको लिखना है, या तो कांदिसी की पे लिखना है या मैन विद वायलिन पर लिखना है, दोनों में से एक पर आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त कला से आप क्या समझते हैं, अमूर्त कला से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। इसके बाद नास्तिक लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है, ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद बेल के शीर्ष का आधार और सामग्री का वर्णन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाववध की पेंटिंग की मुख्य विशेषता का वर्णन करना है। देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक है वो बहुत ही नॉर्मल है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता ही दिए हैं, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट आएंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे भित्ति चित्र के ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं तो इनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे टेराकोटा क्या होता है, उस मंदिर का वर्णन करो जिसमें टेराकोटा की टाइल्स लगाई गई है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बार बार उठता है। ठीक है, इसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पुनर्जागरण वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इस युग की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया है कि लेटेस्ट में जो चल रहा है वही आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछ लिया, ऐसे ब्लैक पगोड़ा बोल सकते हैं इसको, इसके अलावा और भी सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, ये जो चीज़ें होती है जो बहुत ही फेमस मंदिर होते हैं चित्रकला होती है उनके बारे में इसमें पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप तैयारी करें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स बने, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है।